पीछे रहती है। मैं गंगसोलर श्रीवास्तव मुंबई का रहने वाला, मुंबई में रहता हूँ लेकिन मेरा गांव मिर्जापुर में है और यहाँ पे बनारस रोहनिया में मैंने एक ज़मीन 2019 में रजिस्ट्री कराया था, जिसको कि बगल के काश्तकार मोहन सिंह, जन्मेजय सिंह, कार्तिकेय सिंह, आकांक्षा सिंह, ये लोग हैं। मेरी बाउंड्री वाल थी, चौड़ीकरण में रोड टूट गई थी, रोड मतलब बाउंड्री टूट गई थी, जो कि पुरानी भी छायाचित्र हमारे पास है। और हमने फिर दूसरी बाउंड्री वाल मतलब बनाने की कोशिश किया तो ये लोगों ने रोक दिया, जो कि हमने सभी संबंधित अधिकारियों को लेटर दे करके सूचित किया कि हमें काम से रोका जा रहा है। बाद में फिर मैंने एक दिन अपनी बाउंड्री वाल बनाने की कोशिश किया तो तहसीलदार आकर के अनऑफिशियल उन्होंने रोक दिया। उन्होंने मैंने बोला आप कोई ऑर्डर बताओ तब हम काम रोक देते हैं, लेकिन उन्होंने पुलिस उनकी जो सुरक्षाकर्मी थे उनके द्वारा और अपने हमारा काम रुकवा दिया। और धारा 24 में वो लोग गएंगे जिसका हमने आपत्ति लिया था, क्योंकि मिलजुला ज़मीन थी और हमें जब मापी हुई थी तो हमें नोटिस भी नहीं, बगल का मैं कास्कार हूँ, मुझे नोटिस आनी चाहिए थी, मुझे कोई नोटिस भी नहीं आई थी। इन सब उस पर हम एसडीएम साहब के पास गए थे, लेकिन एसडीएम साहब ने हमारी कोई बातें ना सुनते हुए स्थगन ऑर्डर दे दिए। उसके बाद उन्होंने हमारे खिलाफ़ जो हमने आपत्ति लिया था उसे खारिज कर दिया, जिसका हम अपील में कमिश्नर साहब के पास गए थे और सिटी सिविल कोर्ट से हमने स्टे भी लिया हुआ है, लेकिन 20 तारीख तक के लिए है, 20 को सुनवाई होगी, लेकिन वो कापी हमने एसडीएम साहब को दिया। लेकिन कल के दिन जो बगल के काश्तकार हैं, बड़े काश्तकार हैं, जिनका 500-600 बीघा ज़मीन है और प्रभावशाली लोग हैं, इनके संबंध से या इनके दबाव में या इनसे लालच में किस तरीके से इन्होंने सबको मैनेज किया मुझे नहीं पता, कल ज़बरदस्ती गलत तरीके से तहसीलदार और प्रशासन को लेकर के ये लोग जन्मेजय सिंह वगैरह खुद की अपनी जीसीबी लेकर के अंदर हमारे पेड़ वगैरह बाग लगे थे उसको नुकसान किया, पूरी मेरी बाउंड्री ध्वस्त कर दिया गया। उनका मकसद क्या था, बाउंड्री कब्जा करना था कि उस बाउंड्री को सिर्फ ध्वस्त करना था? उनका कब्जा करना ही एक तरह से संभाल से, तो उनको मालूम है कि मैं बाहर रहता हूँ और यहाँ के वो लोग दबंग है। मुझे कई पॉलिटिकल पार्टियाँ के कई लोग ने मुझे फ़ोन करके डराने की कोशिश किया कि वहाँ पे तुम छोड़ करके हट जाओ, इस तरीके की कई लोगों ने किया। और जगह जगह से मुझे मतलब अपने आप को लोग दिखाते थे कि मैं बड़े लोग हूँ और हैं भी, 500-600 बीघा जिसके पास शहर में ज़मीन है तो बड़े लोग तो ही है, मैं बॉम्बे रहता हूँ, इसका फ़ायदा लेकर के वो मेरी ज़बरदस्ती मेरी बाउंड्री को कब्जा करने को। सरकार तो ये कह रही है कि भूमाफियाओं पर नकेल कसी जा रही है, लेकिन आपकी ज़मीन पर कैसे भूमाफियाओं की नज़र पड़ गई? सर अभी तो सरकार, तो मुझे सरकार पे विश्वास है और न्यायाधीश पे विश्वास है, हमारी ज़मीन हमें वापस दिया जाए, क्योंकि हम रहवासी के लिए रहने के लिए अपने गृह नगर में हमने एक ज़मीन लिया था और 4 बिस्सा ज़मीन लिया था, जिसकी कि हमारी भी तो कहीं ज़मीन होनी चाहिए, ठीक है, अगर वो बोलते हैं वहाँ पे उनकी है तो सिस्टम से उनको उनकी ज़मीन वापस दिलानी चाहिए थी। कल जो जिस तरीके से मतलब दादागिरी से और ज़बरदस्ती तरीके से कब्जा किया गया और तोड़फोड़ किया गया, नहीं करनी चाहिए। तो हो सकता है कि उनकी ज़मीन अगर होएगी सिस्टम से हमारे सामने मापी करते, हमको नोटिस दे के करते, तो हम भी मानते कि हाँ उनकी ज़मीन है, लेकिन सिस्टम से उनको खाली हमसे करवाना चाहिए था, एक नोटिस देनी चाहिए थी, बातें कर, हम अपील में गए हैं और स्टे है, स्टे का साथ यहाँ के जो अधिकारी थे उनका रवैया कैसा था? कोई भी किसी ने सहयोग नहीं दिया, स्टे के बावजूद उन्होंने तोड़ने का आदेश दिया, तो अभी इसमें आप समझ सकते कि क्या रवैया रही होगी सरकार और यहाँ के आला अधिकारियों से, क्या आप अपेक्षा रखते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ कि न्याय मिले और बाहर के लोग जिस तरीके से मेरी इंटरेस्ट जागी बनारस के लिए, क्योंकि हमारी बनारस जिस तरीके से डेवलप हो रही है हमने लिया, तो ऐसा ना हो कि कोई भी बाहरी आदमी यहाँ पर आने के लिए यहाँ के भूमाफियाओं से, यहाँ के दबंगों से डर करके यहाँ आना बंद कर दे। और मैं लोगों से न्याय की अपील करूँगा कि लोग न्याय करो, आप लोगों से भी बोलूँगा कि मुझे न्याय दिलाने में साथ दे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।